हम सूजी का खमन ढोकला बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हमने 3/4 बाउल दही लिया है, उसी रेशो से 3/4 बाउल सूजी ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 छोटी हरी मिर्च ली है। अब दही के साथ हम हरी मिर्च को पीस लेंगे। अभी हम इसमें सूजी डालेंगे, दही डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये बेटर अभी अब थोड़ा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं, मिक्स करेंगे। जैसे इडली का बेटर बनाते हैं उस टाइप से बन चुका है। अब इसको रेस्ट के लिए हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट बाद इसमें हम इसकी आगे प्रोसेस करेंगे। ये हम पानी उबलने के लिए रख रहे हैं, उसके अंदर हमने इंस्टेंट रखा है। पानी उबल जाएगा तो हम फिर इसके अंदर बैटर रखेंगे ढोकले का। ये 10 मिनट रेस्ट के हो गए हैं, अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और 1 किलो का ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच। इसमें पानी डालेंगे और उसको फेंटते हुए, ज़्यादा हमको नहीं फेंटना है, हाँ वो बल्स आ जाए इसमें जब फेंट के। अब हमने ये पहले से डब्बे में तेल लगा कर रखा था, ग्रीस करके रखा था इसको। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। इसके लिए हमने 2 चम्मच तेल लिया है, इसमें 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे। ये हम इसको कड़ी पत्ता डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, चिल्ली डालेंगे। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अभी 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा खमन तैयार हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ये इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो चुका है, इसको साइड से इस प्रकार से चारों तरफ से। अब ये ठंडा हो चुका है, इसके ऊपर हम प्लेट को ऐसा उल्टा रखेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट, ये हमारा ढोकला स्पंजी बनके तैयार हो गया। अब हम इसको सीधा करके इस प्रकार से इसकी कट लगाएं। ये देखिए स्पंज बना दाली अच्छी। अब हम इस पर जो हमने तड़का तैयार करके रखा था वो हम इसमें डालेंगे।
आप भी इस प्रकार से सूजी का ढोकला बनाइए तो बढ़िया लगता है खाने में। तो इस प्रकार से आप भी ये रवे सूजी का ढोकला बनाइए और ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आप भी इस प्रकार से सूजी का ढोकले को बना सकते हैं, बहुत ही स्पंजी बन के तैयार होता है। इस प्रकार से आप सूजी के ढोकले को